और उस ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो कितनी होती है, जीरो। ठीक है, सो हाउ वी विल डिफाइन द रोटेशनल मोशन, लेट्स टॉक अबाउट रोटेशनल मोशन, गिव मी अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगेन। व्हाट इज अ रोटेशनल मोशन? रोटेशनल मोशन में लेट्स से एक रॉड है, ये पॉइंट के ऊपर पिवटेड है, ठीक है, इस पिवट को हम फिक्स पॉइंट भी कहते हैं। ये रॉड इस फिक्स पॉइंट के गिर्द घूमती है ऐसे, ठीक है, ये घूमेगी। ये फिक्स पॉइंट इसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही मौजूद है, ठीक है, और ये जो मोशन करेगी रॉड, इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। इट कैन बी आइदर क्लॉकवाइज, इट कैन बी आइदर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है जी। रोटेशनल मोशन में होता क्या है कि रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट के गिर्द घूमता है, उस फिक्स पॉइंट के गिर्द जिस पॉइंट के घूमता है उसको हम पिवट बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट होती है इस केस में वो हमेशा कितनी रहेगी, जीरो रहेगी, ठीक है। तो दिस इज रोटेशनल मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेशनल मोशन करवाने के लिए, घुमाने के लिए, हमें फोर्स के टर्निंग इफेक्ट की जरूरत होगी। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, और इस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट। हम इसको मूवमेंट बोलते हैं। कोई भी फोर्स जिसका लाइन ऑफ एक्शन पिवट की तरफ जाएगा वो ऑब्जेक्ट में किसी किस्म का कोई मूवमेंट क्रिएट नहीं कर सकता। जैसे कि ये F1 है, इसका लाइन ऑफ एक्शन हम नोटिस कर रहे हैं कि किसकी तरफ जा रहा है, फिक्स पॉइंट पे पिवट की तरफ, तो ये रोटेशनल मोशन नहीं क्रिएट करेगा, यानी इसका किसी किस्म का कोई टॉर्क, वो सॉरी मूवमेंट नहीं होता। कोई ऐसी फोर्स जो कि हम पिवट पे लगाएंगे, जैसे कि ये F2 है, इसका भी हमारे पास क्या होगा, किसी किस्म का कोई मूवमेंट या टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी ऐसा फोर्स जिसका लाइन ऑफ एक्शन पिवट की तरफ जाए, या वो फोर्स इटसेल्फ अगर पिवट पे लग रहा हो, तो उस ऑब्जेक्ट का किसी किस्म का कोई मूवमेंट या टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा, बाकी तमाम फोर्सेस का टर्निंग इफेक्ट होगा और वो ऑब्जेक्ट को घुमाएगा। सिंपली किसी ऑब्जेक्ट का अगर हमें टर्निंग इफेक्ट कैलकुलेट करना है, लेट्स से ये एक रॉड है, अगेन ये उसका पिवट है, फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे हमने इस रॉड पे ऐसे फोर्स लगाई एफ, तो और इस फोर्स का इस पिवट से कुछ डिस्टेंस है डी, ठीक है, तो जो मूवमेंट होगा वो कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, इसके फोर्स को इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जो कि पिवट से नापा हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। दिस डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड पिवट। और कुछ किताबों में हम इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, मूवमेंट आर्म। क्या वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए, मूवमेंट आर्म का वर्ड यूज किया जाता है, मूवमेंट आर्म, ठीक है। ये डी क्या है, मूवमेंट आर्म है, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फोर्स एंड द पिवट। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज्यादा हम इंक्रीज करते जाएंगे मूवमेंट उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम फोर्स को इंक्रीज करते जाएंगे तो भी क्या होता जाएगा, आपके पास मूवमेंट इंक्रीज होता जाएगा। इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? नहीं सर। दिस इज ऑल द स्टफ वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास। नाउ जरूरी नहीं है कि फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट पे बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर लगे, हो सकता है फोर्स कुछ एंगल के ऊपर भी लगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक और रॉड है, ये इसका पिवट है, अगेन दिस इज द पिवट, और इस दफा इस पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स कुछ यूं लगा रहे हैं, ठीक है। लेट मी क्लियर इट फॉर यू मोर। लेट से हम फोर्स यहां से यूं लगा रहे हैं,
ये फोर्स हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रही है एंड लेट्स से दिस एंगल इज जो कि हॉरिजॉन्टल से बन रहा है वो कितना है 20 डिग्रीज का एंगल. तो ये फोर्स एक्चुअली में यू है और इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना बन रहा है 20 डिग्री का. इस फोर्स के यकीनन दो कंपोनेंट होंगे. एक कंपोनेंट होगा ये, ठीक है, वी कैन कॉल दिस कंपोनेंट एज एफ एक्स, और एक दूसरा कंपोनेंट होगा एफ वाई जो कि यू, ठीक है. पिवट से लेके फोर्स तक का जो डिस्टेंस है मोमेंट आर्म वो कितना है डी. अब ये जो फोर्स है ये पूरे का पूरा फोर्स ऑब्जेक्ट में मोमेंट क्रिएट नहीं कर रहा होगा. एक्चुअली में जो इस फोर्स का वाई वाला हिस्सा है या वाई कंपोनेंट है वो इस पे मोमेंट क्रिएट कर रहा होगा. द रीजन इज दैट कि ये जो एक्स वाला कंपोनेंट यू बनेगा ये एफ एक्स, ये एफ एक्स का लाइन ऑफ एक्शन किसकी तरफ जा रहा है, पिवट की तरफ. तो हम ये कहेंगे एफ एक्स क्रिएट्स नो मूवमेंट, यानी इस फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है वो किसी किस्म का कोई मूवमेंट क्रिएट नहीं करेगा. बट इस फोर्स का जो वाई कंपोनेंट है एफ वाई वो ऑब्जेक्ट पे क्या करेगा, मूवमेंट को क्रिएट करेगा. यानी अगर हमें यहाँ मूवमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, एफ वाई को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मूवमेंट बनेगा. एफ वाई इज परपेंडिकुलर टू डी सो इट क्रिएट्स मोमेंट. तो ये क्या क्रिएट करेगा, मोमेंट को क्रिएट करेगा. अब अगर आपको इसका मोमेंट निकालना है तो एफ वाई की वैल्यू हमें चाहिए होगी. एफ वाई किसके बराबर होगा, बाय द वे एफ एक्स किसके बराबर होगा, एफ कॉस थीटा के, कॉस थीटा, और एफ वाई किसके बराबर होगा, एफ साइन थीटा, ठीक है. तो एफ एक्स का तो कोई मोमेंट नहीं बन रहा लेकिन एफ वाई का बन रहा है. तो हम क्या लिखेंगे, एफ वाई की जगह एफ साइन थीटा इंटू डी, या किताबों में इसको ऐसे भी लिख देते हैं एफ डी साइन थीटा, ठीक है. तो बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि इस फोर्स को जब हमने इसके दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया तो हमें ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि इसका एक फोर्स का एक कंपोनेंट जो है उसका लाइन ऑफ एक्शन पिवट की तरफ जा रहा है, और कोई भी ऐसा फोर्स जिसका लाइन ऑफ एक्शन पिवट की तरफ हो वो ऑब्जेक्ट में मूवमेंट क्रिएट नहीं करता. एफ एक्स का लाइन ऑफ एक्शन पिवट की तरफ है इसलिए वो मूवमेंट नहीं क्रिएट करेगा, जबकि एफ वाई का लाइन ऑफ एक्शन पिवट की तरफ नहीं है, ठीक है. तो ये ऑब्जेक्ट पे यकीनन क्या क्रिएट करेगा, मूवमेंट क्रिएट करेगा. ये एग्जैक्टली एफ वाई डी के ऊपर 90 डिग्री पे है, परपेंडिकुलर है, तो इसका मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए एफ वाई की वैल्यू हमने निकाली जो कि एफ साइन थीटा के बराबर है, और उसको हम इसके मोमेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एफ वाई की वैल्यू मिल जाएगी. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. ठीक है, इसको कॉपी कर, कॉपी कीजिएगा इसको. कॉपी हो जाए, डू लेट मी जी बोलिए सर. हम लोग हमेशा डी उतना ही लेंगे, मतलब हम लोग हमेशा डी पिवट से लेके पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक लेंगे. बिल्कुल सही कह रही हो, फोर्स के और पिवट के दरमियान में डिस्टेंस होता है. बिल्कुल, अ पॉइंट चाहे अगर हमारी लाइन हमारा अगर फोर्स किसी एंगल पे भी आ रहा हो लेकिन हम लोग पॉइंट ऑफ एक्शन से ही लेंगे. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रही हो. एग्जांपल करें, अगर अगर हमारा जो पॉइंट है वो अगर जो पॉइंट है वो अगर अंदर से लाइक अगर इस जो अच्छा लेट्स से बेटा अगर फोर्स यहाँ से लग रहा होता ये, ठीक है, ये कहना चाह रही हो ना सर? आप इसको ऑपोजिट बना देंगे इसी का मिरर इमेज फोर्स के लिए. जी जी, ये लो फोर्स का मिरर इमेज ये हो जाएगा. यू जी, तब हम कितना लेंगे बेटा, फोर्स का डिस्टेंस पिवट से लेंगे सीधा सीधा, यानी दिस डिस्टेंस विल बी सिंपली टेकन.
दिस डिस्टेंस विल नॉट बी टेकन, ओके इसको नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस हमेशा मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म जो होता है इट इज ऑलवेज डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड द पिवट, जहां पे फोर्स लगी है और जहां पे पिवट है उसके दरमियान में डिस्टेंस होता है। जी जी फोर्स का फिर हाँ प्रतुलन बेटा, इसके फिर हम कंपोनेंट बनाएंगे। एक कंपोनेंट यकीनन यू होगा, ठीक है, जो कि लेट्स से एफ वाई है, और एक कंपोनेंट यू हो जाएगा जो कि एफ एक्स है। अगेन कुरत, इसमें एफ एक्स जो है उसका लाइन ऑफ एक्शन पिवट की तरफ जा रहा है, तो इसलिए वो मूवमेंट क्रिएट नहीं कर रहा होगा, जबकि एफ वाई जो है इसमें कैसा मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होगा, एंटी क्लॉक वाइज, है ना सर। इस केसेस में तो मेजॉरिटी में तो यही हो रहा है ना कि एफ वाई और डी ले रहे हैं, कोई ऐसा केस है जिसके अंदर एफ एक्स और एफ वाई ना हो? मैं अभी बना देता हूँ आपको, कोई मसला नहीं है, ऐसा केस भी बना देता हूँ मैं आपको, ठीक है। सर अगर पिवट सेंटर में होगा तो भी तो रोटेशनल मोमेंट होगी? बिल्कुल होगी, तब भी हो सकती है, तब भी हमारे पास लिया जा सकता है। करते हैं अभी कुछ केसेस करते हैं इसके, में फिकर क्यों कर रहे हैं हम। कॉपी हो जाए बताइएगा मुझे। हो गया सर। हो गया कॉपी? जी सर हो गया। ओके लेट्स से एक रॉड है, जो यहां से पिवटेड है, ठीक है। इस पे जो हमने फोर्स लगाई वो कुछ यूं अप्लाई की फोर्स ऐसे, ठीक है। लेट्स से इस फोर्स का पिवट तक डिस्टेंस जो है वो कितना है, 80 सेंटीमीटर है। हमने जो फोर्स लगाई है वो कितनी है, वो 20 न्यूटन्स का फोर्स है, ठीक है। और जो एंगल बन रहा है इसका बार के साथ या उस रॉड के साथ, वो एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो बताइए यहाँ पे मोमेंट कितना होगा, व्हाट विल बी द मोमेंट इन दिस केस। अच्छा मैं पुरानी वाली स्क्रीन दोबारा दिखा देता हूँ। जी हो गया, चलो जी। तो बच्चों इस दफा एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन्स का एक रॉड के ऊपर। ये जो रॉड है ये वर्टिकल इस वक्त है, पिवटेड हुई भी है, और इस रॉड का जहां पे फोर्स लग रही है उसके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपके पास आ रहा है 80 सेंटीमीटर का। ये बताइए कि इस रॉड पे कितना मूवमेंट होगा और किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी बात यह है कि जब ये फोर्स लगेगी तो इसका एक हिस्सा इस फोर्स का इधर जा रहा होगा, जो कि बाय द वे इस दफा एफ वाई होगा, और एक कंपोनेंट यू होगा जो कि क्या होगा, एफ एक्स होगा। अब एफ वाई का लाइन ऑफ एक्शन किसकी तरफ जा रहा है, पिवट की तरफ, तो एफ वाई का कोई मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। हम इस क्लियर हो रहा है? जी सर जी, ठीक है। एफ आई का कोई मूवमेंट नहीं होगा,
लेट्स टॉक अबाउट एफएक्स. एफएक्स का मोमेंट होगा, मोमेंट किसके बराबर होगा, एफएक्स इनटू डी. अच्छा एफएक्स किसके बराबर होगा, बाय द वे क्योंकि एंगल एफएक्स के साथ नहीं एफवाई से नापा हुआ है तो इस दफा एफएक्स किसके बराबर होगा, एफ साइन थीटा के. यानी एफएक्स इसके बराबर होगा 20 sin 30 और डिस्टेंस आपको गिवन है 80 सेंटीमीटर का. इट मींस मूवमेंट के लिए क्या करना होगा, 20 sin 30 इसको मल्टीप्लाई करना होगा डी से जो कि है 80 × 10⁻², क्योंकि ये सेंटीमीटर्स है, इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर्स के. दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ मूवमेंट, ये आपको मूवमेंट की वैल्यू दे देगा. क्या आ रही है मूवमेंट, 8 newton meter. तो इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर. ठीक है जी, 8 आ रहा है जी, जी है ना फेमिना, 800 नहीं आ रहा होगा, सेंटीमीटर्स मीटर्स में कन्वर्ट होगा. ठीक है जी, अच्छा जी. तो इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर. मैंने आप लोगों को कल बताया था ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज होती है या फिर क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना. इसका बेस यूनिट क्या होगा, इसका बेस यूनिट होगा kgm2s-2, ये इसका बेस यूनिट होता है. ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर? यस सर. सर इसमें तो अभी एंटी क्लॉकवाइज होगा ना ये? जी बेटा, इसमें हमारे पास किस डायरेक्शन में बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज. ये कॉपी सर आपने टेंथ में डिप्लाई क्यों करा? सॉरी मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था. आई होप आप लोगों ने वो वाला स्क्रीन कॉपी कर ली होगी. अच्छा जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. बेस यूनिट क्या था, केजी? केजी m2s-2. ठीक है, दोबारा दिखा. केजी m2s-2, ये इसका बेस यूनिट था. बेटा वो स्क्रीन अब गायब हो गई है, ठीक है, क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हो गया था. क्या हो रहा है ये, तब क्या करेंगे जब पिवट से पैरेलल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगी. ठीक है, पिवट से पैरेलल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगी,
आजरा ये कहना चाह रही हैं कि सर अगर पिवट से पैरेलल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, अगेन हाजरा इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन किस तरफ जा रहा है, बैकवर्ड भी होता है फॉरवर्ड भी होता है, तो आपके पास इस केस में भी आपके पास ये फोर्स नो मूवमेंट नो टर्निंग इफेक्ट देगी। ठीक है बेटा, सो आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट, मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे पिवटेड है, ओके, हमारे पास एक फोर्स इस तरीके से इस पे अप्लाई हो रहा है, ठीक, और ये फोर्स हमारे पास कितना है 30 न्यूटन, और इसका वर्टिकल से बाय द वे आपको एंगल गिवन है इस दफा, ये एंगल गिवन है एंड दिस एंगल इज 50 degrees, ये एंगल 50 degrees। इसी तरीके से एक और फोर्स यूं लग रहा है इस तरह से, ठीक है, इसका भी आपको एंगल गिवन है, लेकिन इसका एंगल आपको हॉरिजॉन्टल से गिवन है, ये एंगल, और ये एंगल भी आपको 50 degrees ही गिवन है, लेकिन ये फोर्स जो है ये है 50 न्यूटन, ठीक है। पिवट एग्जैक्टली कहाँ है, मिड पॉइंट पे, और इस रॉड की लेंथ है, लेंथ ऑफ रॉड इज 100 सेंटीमीटर, ठीक है, इस रॉड की लेंथ 100 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल मोमेंट on rod and its direction. तो जनाब बड़ा क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जो पहला फोर्स है, let's call this F1 and इसको कह देते हैं F2. F2 का एक horizontal component यूं बन रहा है, ठीक है, जो movement नहीं create कर रहा होगा, और vertical जो यूं बन रहा है वो movement create कर रहा होगा, जिसको हम F1Y भी कह सकते हैं। By the way, ये इसको कैसा घुमाने की कोशिश कर रहा होगा, किस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे फोर्स को अगर हम देखें तो इसका एक कंपोनेंट भी इधर होगा जो कि पिवट की तरफ जा रहा होगा, दिस इज F2X, ये F1X था, और इसके ऊपर एक वर्टिकल कंपोनेंट भी बन रहा है FY या F2Y का, ये इस बार को किस तरीके से पिवट के गिर्द घुमाने की कोशिश कर रहा है, जी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, इसका मतलब है दोनों मूवमेंट्स की डायरेक्शन सेम है, तो हम दोनों फोर्सेस का मूवमेंट निकालेंगे इंडिविजुअली और फिर उसको क्या कर देंगे, आपस में एड अप कर देंगे, क्योंकि दोनों ही क्लॉकवाइज है, यानी इसका मतलब है कि ये रॉड किस डायरेक्शन में घूमेगी, किस डायरेक्शन में घूमेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चलिए नाउ, अब इंपॉर्टेंट बात ये है, जरा ध्यान से अब बात सुनिएगा, कि इस वाली फोर्स का जो मूवमेंट है वो कैसे निकलेगा, लेट्स कॉल दिस M1, M1 बराबर होगा F1Y इनटू D के, और बाय द वे D कितना होगा, तो ये आपके पास D, क्योंकि ये मिड पॉइंट है और टोटल रॉड की लेंथ 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, 1 मीटर है, तो 1 मीटर का मतलब ये है कि मिड पॉइंट का मतलब है ये कितना होगा 0.5 मीटर, सब एग्री करते हैं इस चीज से, okay. इसी तरीके से ये भी कितना होगा 0.5, तो यहाँ पे M1 बराबर होगा, ये F1Y किसके बराबर होगा, D, साइन लगेगा या कॉस लगेगा F1Y के लिए, कॉस लगेगा, क्योंकि F1Y से हमने 50 डिग्री का एंगल नापा हुआ है, इस कंपोनेंट से एंगल नापते हैं उसके साथ कॉस लगता है, 30 cos 50 इंटू 0.5, तो ये आपके पास M1 मिल जाएगा जो भी क्लॉकवाइज है। इसी तरीके से M2 इस वाले फोर्स के लिए, अच्छा बाय द वे इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसके साथ साइन लगेगा, दैट इज 50 साइन
50, क्योंकि एंगल भी 50 है, फोर्स भी 50 है, और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, 0.5, m2 हो जाएगा. यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m1 एंड m2, यू विल ऐड द टू वैल्यूज एंड देन यू विल फाइंड द टोटल मूवमेंट जो कि किस डायरेक्शन में होगा क्लॉकवाइज. m1 कितना आ रहा है, what is m1? 9.64 आ रहा है. 19. 9.64. सर m1 is 9.64. 9.64. और m2 कितना आ रहा है? 19.5. कितना आ रहा है? 19.2. न्यूटन मीटर, ये भी न्यूटन मीटर. अब दोनों मूवमेंट्स ऐड हो जाएंगे टोटल मूवमेंट के लिए. टोटल मूवमेंट किसके बराबर होगा? m1 प्लस m2 के. टोटल मूवमेंट बराबर होगा 9.64 प्लस 19.2. जी क्या वैल्यू आ रही है? 28.84. ठीक है, या अप्रोक्सीमेटली हम 29 न्यूटन मीटर भी कह सकते. और किस डायरेक्शन में है ये? Is that clear to everyone? Sir, M1 के बस में हम साइन 40 भी तो कर सकते थे ना? हाँ, साइन 40 भी लगा सकते थे, इसका कोई मसला नहीं. कि जितनी अच्छी मैथ है उतना इस्तेमाल कर सकते हैं उसको. जी क्लियर हुआ ये? M2 के लिए सिंपली हमने उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया और वो वाला कंपोनेंट लिया जो कि 90 डिग्री के एंगल के ऊपर यानी परपेंडिकुलर आ रहा था डिस्टेंस के ऊपर, उससे हमने मूवमेंट निकाल लिया. सर fx जो है वो मिड पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं आएगा, ये y कंपोनेंट में बता रहे ना कि f2 मतलब y कंपोनेंट पे लग रहा है ये 50 न्यूटन है या 30 न्यूटन है. अगर ये फोर्स नहीं ना, ये फिर हां बोलो. अगर ये 50 न्यूटन उसको जहां फोर्स लग रही है ओरिजिनली ब्लैक वाली जो एरोज हैं वहां लग रही है उतनी फोर्स, तो उसको फिर y कंपोनेंट में कैसे निकालेंगे फिर? ओरिजिनली अगर वो ऊपर ही वर्टिकली लग रही होती तो उसका y कंपोनेंट थोड़ी निकालते, वो तो पूरे का पूरा y कंपोनेंट हो जाता है. ये तो वाई कंपोनेंट पे ही है ना ऊपर बता रहा है. नहीं ना, ये 50 कंपोनेंट ये वाला है, ये इसको मैं भी लाइट से पिंक कलर से बना रहा हूँ. अच्छा, सही सही. ये 50 हो गए. जी जी सर, हो गए. अभी हो गया भाई? जी हो गया सर. अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. Let's do this question now. ठीक है, हमारे पास एक L shape का lever है. It is pivoted at point P. L shape का lever है जो कि P point पे pivoted है. The lever What is the magnitude of the resultant moment of these two forces? अच्छा ख्याल रखिएगा कि हम normally clockwise नेगेटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है,
और एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करते हैं पॉजिटिव, ठीक है। आपका दिल नहीं अगर ऐसा चाह रहा तो आप चाहें तो पॉजिटिव क्लॉकवाइज को कर लें, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव कर लें, लेकिन जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा उसकी डायरेक्शन या उनकी साइंस हमेशा क्या होंगी, डिफरेंट होगी, ये पक्का याद रखिएगा बस, ठीक है। अब इस पे टोटल मूवमेंट कैसे होगा, तो आंसर ये है कि हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन से फोर्स का किस डायरेक्शन में मूवमेंट बन रहा है, पहले तो ये देखना पड़ेगा, फिर उसका पिवट से कितना डिस्टेंस बन रहा है उस हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम लोगों को बताऊं, ये है पिवट और ये पहला फोर्स है, एक्चुअली में ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, क्या ये पिवट की तरफ जा रहा है? नो, नहीं। लेकिन अगर मैं इस पूरे के पूरे फोर्स को ऐसे कंसिडर कर लूं तो एक्चुअली में ये है कुछ ऐसा, ये रॉड है ऐसी, और इस रॉड पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, जिसका पिवट से डिस्टेंस कितना है 2 मीटर का। तो ये इसको किस डायरेक्शन में बाय द वे घुमाएगा, इट विल टर्न इट इनटू एंटी क्लॉकवाइज, विच डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड, ठीक है। इस तरीके से तुम लोग इसको नोटिस करो कि कहां से क्या हो रहा है। अच्छा, मैं 5 न्यूटन और 20 न्यूटन वाले के लिए भी बात करूंगा। अच्छा, 5 न्यूटन और 20 न्यूटन वाले के लिए हमें इस पॉइंट को पिवट कंसीडर करना पड़ जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को आप पिवट कंसीडर करें तो 5 न्यूटन वाला एक्चुअली में, अगर ये पिवट, ये समझ ले पिवट पॉइंट यहां आ गया, ठीक है। तो 5 न्यूटन वाला जब लगेगा पिवट से तो उसका डिस्टेंस कितना होगा 5 वाले का? अगर ये टोटल डिस्टेंस 4 है, 3 प्लस 1 4 है और ये 2 है, तो यकीनन ये डिस्टेंस भी कितना होगा, 2 मीटर होगा। तो ये 2 मीटर बनेगा इसका, और ये इसको कैसा घुमाएगा बाय द वे, इस पिवट के एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और सबसे लास्ट वाले के लिए अगर हम बात करें 10 वाले के लिए, उसके लिए भी हम इसी तरीके से पिवट को यहाँ नीचे कंसीडर करेंगे। ये 20 वाला यूं लग रहा है, इसका डिस्टेंस बड़ा क्लियरली पिवट से हमें दिख रहा है कितना है, 3 मीटर्स का। और बाय द वे ये कैसा घुमाने की कोशिश कर रहा है, क्लॉकवाइज। अब आप सिंपली ये मूवमेंट्स निकाल लीजिए, इन सबको आपस में ऐड कर दीजिए, लेकिन क्लॉकवाइज वाले को नेगेटिव कंसीडर कर लीजिएगा और एंटी क्लॉकवाइज वाले को पॉजिटिव, और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सो यहाँ पे जो मूवमेंट आ रहा होगा वो तो होगा सिंपली 20, यहाँ पे मूवमेंट आ रहा होगा वो कितना होगा 10, और यहाँ पे जो मूवमेंट आ रहा होगा वो कितना होगा जी 60, ठीक है, लेकिन माइनस नहीं होगा। तो टोटल मूवमेंट इसके बराबर हो जाएगा 10 प्लस 20 प्लस माइनस 60। तो माइनस 60 का मतलब क्या है, आंसर क्या आएगा, माइनस 30। माइनस 30 का मतलब ये कि इस रॉड पे जो रिजल्टेंट मूवमेंट है वो कैसा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, अगर उसने हमसे डायरेक्शन नहीं पूछी है, लेकिन वो सवाल को और कॉम्प्लिकेट कर सकता था, वो ये पूछ सकता था ऑप्शन में आपको 30 क्लॉकवाइज भी दे सकता था, तो आगे के 3 एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकता था, ठीक है। तो जिसको सवाल करना आता है उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से कोई टेंशन होती ही नहीं, वो सही से अगर निकालता तो उसका आंसर भी सही आता और डायरेक्शन भी क्लियर आता। ओके, इसको भी कॉपी कर लें। सर ये टोटल मास कैसे कैलकुलेट करें, मुझे एक दफा दोबारा रिपीट कर दें। टोटल मास नहीं है बेटा, ये टोटल मोमेंट है, मोमेंट, ठीक है। टोटल मोमेंट मैंने कैसे कैलकुलेट किया, हर एक फोर्स का मैंने इंडिविजुअल मोमेंट निकाला, पहले मैंने सबसे पहले 10 वाली का निकाला, फिर 5 वाली का निकाला, और फिर 20 वाली का निकाला। तमाम मोमेंट्स को निकाला और मैंने उनकी डायरेक्शंस भी देखी। दो मोमेंट्स जो थे वो 5 और 10 न्यूटन वाले के एंटी क्लॉकवाइज थे, और जो 20 न्यूटन वाला था उसका मोमेंट कैसा बन रहा है क्लॉकवाइज। फिर मैंने तीनों मोमेंट्स आपस में ऐड किया, एंटी क्लॉकवाइज वाले को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज वाले को नेगेटिव रखते हुए, और फिर रिटर्न मोमेंट की वैल्यू निकाल।
सर आप उससे पहले वाले क्वेश्चंस में क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के साइन यूज कर रहे थे क्या बेटा उसमें दोनों ही मूवमेंट क्लॉकवाइज थे सॉरी दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज थे उसमें बाय द वे ये भी क्लॉकवाइज था और बाय द वे ये भी कैसा घुमा रहा था क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज इसलिए मैंने साइन कंसिडर नहीं किए थे दोनों ही प्लस में ठीक है सर जी सर ये जो 20 न्यूटन वाला जो नीचे दिया हुआ है उसमें डिस्टेंस क्या लिया हमने 3 मीटर लिया था 3 कर लिया था सर ये पूरा नहीं लेंगे ये पूरा नहीं ले सकते थे हम 3 और 1 पूरा नहीं 3 और 1 कैसे फोर्स और पिवट के दरमियान में डिस्टेंस लिया था अच्छा अच्छा मैंने ये पिवट कंसीडर कर लिया था ठीक ठीक कॉपी हो जाए बता दीजिएगा हो गया भी कॉपी है जी सर तो एक दो क्वेश्चंस और करते हैं जनाब चलें क्वेश्चन बात हो अच्छा ना पे अटेंशन यूनिफॉर्म रॉड है of weight 60 newton एक rod है उसका weight कितना है 60 newtons इस rod को हमने इस point पे क्या किया हुआ है pivot किया okay rod की जो length है total length वो कितनी है 10 meters और यहाँ से हमने इस पे force लगाई है कितनी कैसे भी नहीं let's say हमने फोर्स लगाई है ऐसे वर्टिकल के साथ एंगल बनाती है फोर्स फोर्स लगाई हमने 200 न्यूटन का और ये एंगल हमारे पास कितना है 30 डिग्री तो बताइए इसका टोटल मोमेंट ऑन रॉड कितना होगा फाइंड टोटल मोमेंट ऑफ रॉड ठीक है जी क्वेश्चन इज वेरी एक रॉड है 60 न्यूटन्स की उस पे हमने 200 न्यूटन्स वेट लगाया है जो कि फोर्स लगाया है जो कि 30 डिग्री के ऊपर एंगल के ऊपर है हमें ये बताना है कि इसके ऊपर कितना टोटल मूवमेंट लगा होगा और इस रॉड की जो हमारे पास लेंथ है वो कितनी गिवन है 10 मीटर
सर ये पॉइंट्स में भी आ सकते हैं ना? हाँ पॉइंट्स से भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो 233.2 आ रहे हैं, 233.2 वेट को मिला के, वेट भी ऐड करेंगे ना सर? हाँ लेकिन वेट ऐड नहीं करेंगे, वेट का मूवमेंट अलग से ऐड करेंगे। अच्छा वेट का मूवमेंट ऐड होगा, क्योंकि वो रॉड यूनिफॉर्म है तो वेट यकीनन कहाँ काम कर रहा होगा, बिल्कुल वहां से सेंटर यानी मिड पॉइंट से काम कर रहा होगा, है ना? ठीक है, फिर ये हो रहा है 473.2, 473.2। बाकी भी कंप्लीट करें, बेस इसने भी क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें। इस वाले फोर्स का जो मूवमेंट होगा ऑब्वियसली ये वाला कंपोनेंट मूवमेंट बना रहा होगा, ये वाला कंपोनेंट तो मूवमेंट नहीं बना रहा, एफएक्स का कोई मूवमेंट नहीं होगा, एफवाई होगा, यानी इसका जो मूवमेंट होगा वो बराबर होगा एफवाई इनटू ई के, एंड मूवमेंट एफवाई आपके पास इसका होगा 200 cos 30 into n, ठीक है, ये हो जाएगा इसका मूवमेंट, और इसका मूवमेंट जो होगा वेट के लिए मूवमेंट ऑफ वेट ये बराबर होगा 16 into 5, क्योंकि ये मिड होगा तो यकीन ये डिस्टेंस कितना होगा 5 meter. मूवमेंट हमारे पास आ रहे हैं इसका तो 300 न्यूटन मीटर, और इसका कितना आ रहा है टोटल मूवमेंट हमारे पास कितना होगा 5 5, क्योंकि बिल्कुल मिड पॉइंट पे होगा और रॉड की लेंथ अगर 10 है मिड पॉइंट से काम करके, और ये भी कैसा मूवमेंट बना रहा होगा, कैसा मूवमेंट बना रहा है, क्लॉकवाइज, एफवाई भी क्लॉकवाइज बनाया है, जब भी मैंने सिंपली दोनों क्या कर दिया है, ऐड कर दिया, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा अगर ऑब्जेक्ट पे लगने वाले तमाम मोमेंट्स का सम जीरो हो जाए तो ऑब्जेक्ट किस स्टेट में आएगा? इक्विलिब्रियम, लीनियर इक्विलिब्रियम, लीनियर में नहीं, अगर ऑब्जेक्ट पे लगने वाले तमाम मोमेंट्स का सम जीरो हो जाए तो ऑब्जेक्ट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आएगा। मोमेंट क्या क्रिएट करता है, लीनियर मोशन या रोटेशनल मोशन? मोमेंट लीनियर मोशन क्रिएट करता है या रोटेशनल मोशन क्रिएट करता है? रोटेशनल, रोटेशनल करता है। अगर ऑब्जेक्ट पे लगने वाले तमाम फोर्सेस का सम जीरो हो, फोर्सेस का, तो वो लीनियर इक्विलिब्रियम में होता है। अगर ऑब्जेक्ट पे लगने वाले तमाम मोमेंट्स का सम जीरो हो तो वो क्या होगा, ठीक है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। हाँ हाजिर हम लगा सकते हैं माइनस का साइन, लेकिन माइनस का साइन नॉर्मली हम तब लगाते हैं हाजिर जब हमारे पास दोनों किस्म के मूवमेंट्स होते हैं ना, क्लॉक और एंटी क्लॉक, तब नॉर्मली साइन लगाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन पूछना है किसी ने? मुस्तकीम,
सकीम आया हुआ आज क्लास में? चलिए लेट्स स्टॉप इट ओवर हियर आई बिलीव, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट में ऑनलाइन क्लास में देना नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि वो फेस टू फेस क्लास में डिस्कस हो, ठीक है? तो यहाँ तक हम इसको रोकते हैं। अब हम ये जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम या लीनियर इक्विलिब्रियम वाली कंडीशंस है, इंशाल्लाह हम कल जो फेस टू फेस क्लास में उसमें, ठीक है? अप टिल नाउ किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है अभी तक तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल स्टॉप ओवर। कोई क्वेश्चन पूछना किसी ने? सर मुझे भी ये बता, नेगेटिव का साइन क्यों नहीं लगाया? बेटा नेगेटिव का साइन हमने इसलिए नहीं लगाया, ये ले आपका बहुत दिल चाह रहा है तो लगा देते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है? कोई मसला नहीं, आप लगा ले नेगेटिव, आप अपना दिल पूरा कर ले, ठीक है? और कोई क्वेश्चन? चलो ओके भाई बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह Allah Hafiz.